अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने लगे हैं यखनी वाला बीफ पुलाव। पुलाव बनाना हमने वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले मटन पुलाव बनाना सिखाया था, बस ये कि इसका थोड़ा सा टेस्ट चेंज होता है, उससे बकाया बनता ये बिल्कुल वैसे ही है। तो हम पोटली वाला ही पुलाव बना रहे हैं, तो जो पोटली में सामान डल रहा है वो मैं अब आपको दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखें, पोटली के लिए हमने एक छोटे साइज का प्याज ले लिया और लहसुन ले लिया, और ये हमने लिया है जायफल जलवत्री जिसको हमने पीस लिया, ये हमने सौंफ ले लिया, ये हमने लिया दालचीनी, बड़ी इलायची और लौंग, और ये हमने लिए बादिया कताई के फूल। देखें हम पोटली का सामान रेडी कर रहे हैं, हमने प्याज और लहसुन डाल दिया, जायफल जलबत्री डाल दी, सौंफ, सारे गरम मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए। और अब हम इसे, तो व्यूअर्स ये देखें मैंने पानी लिया और उसके अंदर मैंने बीफ को गलने के लिए डाल दिया, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पोटली जिसमें हमने सारे मसाले डाले थे, और अब आपने इसको गलने के लिए रख देना है। और जब इसका मसाला इसके अंदर थोड़ा सा मिक्स हो जाए तो आपने 15 मिनट का प्रेशर लगाकर इसको गला लेना है अच्छे तरीके से। देखें व्यूवर्स, हमारा बीफ गल चुका है, यखनी हमने अलहदा कर लिया है, और अब हम चावलों में जो सामान ऐड होगा वो देख लेते हैं। चार प्याज ले लिया हमने जिसे हमने कट कर लिया, तीन टमाटर लेने हैं आपने, जीरा लेना है 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून पसंद जितना आप यूज करते हैं, लाल मिर्च पाउडर 2 टेबल स्पून, और ये जायफल जलबत्री है 1 टेबल स्पून, और 1 कप आपने ले लेना है ऑयल का। साथ मैंने लिए इमली और आलू बुखारा। ये सारे गरम मसाले हैं, हरी मिर्चें हैं और फूड कलर है, ये सब चावलों में ऐड होगा। ये गरम मसाले हैं जिनका आपको पता ही है, फिर भी मैं बता देती हूँ। ये दालचीनी है, ये बादिया कताई के फूल हैं, ये बड़ी इलायची है, ये काली मिर्चें हैं, और ये लौंग है, ठीक है, ये सब चावलों के अंदर ऐड होंगे। फ्रेंड्स अब हमने चावलों के लिए ऑयल डाल दिया 1 कप, और प्याज डाल दिए, इसको अब हल्का सा ब्राउन होने दें तड़का इसका। तो फ्रेंड्स ये देखें हमारा तड़का ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें अपना बीफ ऐड कर रहे हैं, और इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। अभी जो हमारे गरम मसाले हैं ये हमने सारे ऐड कर दिए हैं बीच में, लाल मिर्च ऐड कर दिया, नमक ऐड कर दिया, और ये जायफल जलबत्री जो हमने पीसी हुई थी वो ऐड कर दिया, और ये इमली और आलू बुखारा। अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसमें हम अपने टमाटर ऐड कर रहे हैं, अब हम इसमें अपना यखनी वाला पानी ऐड कर रहे हैं। फ्रेंड्स हमने मिर्चों को बीच में से कट कर लिया है, और वो भी बीच में ऐड कर दिए, और ये ज़ीरा ये भी हमने ऐड कर दिया। अब लास्ट पर हम बस इसमें चावल ऐड करेंगे। फ्रेंड्स पानी में बॉयल आ गया है, अब हम इसमें अपने चावल ऐड कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स अब हम इसको कवर करके पकने देंगे, और जैसे ही इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसे दम दे देंगे। खुश्क हो गया है और अब हम इसको दम पे रखेंगे 15 मिनट के लिए। फ्रेंड्स मैंने इसके नीचे तवा रख दिया, और अब हम इसको दम पे रखेंगे 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए, और मैं इसमें फूड कलर भी ऐड कर रही हूँ। अगर आपने नहीं ऐड करना तो कोई इशू नहीं है, आप ना कीजिएगा, हमें कलर वाले चावल पसंद हैं इस वजह से मैंने इसमें कलर ऐड कर दिया। अब इसे आप कवर करके रख दें। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा खिला खिला पुलाव रेडी है, बीफ पुलाव। अब हम इसे डिश आउट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ओके डिश आउट हो रहे हैं फ्रेंड्स, ये देखिए हमने डिश आउट कर लिया पुलाव, बीफ पुलाव,
और अब हम इसे मज़े से खाएंगे। आप सभी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी रेसिपी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।